नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। टेक्निकली इसे कोलीलिथियसिस कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो इससे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर उसके नेक पे आके फंसता है तो सबसे पहले पेशेंट यूजुअली पेन फील करता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारे पेट के ऊपरी और राइट साइड के तरफ है, इसलिए हमें पेट के ऊपर राइट साइड में पेन यूजुअली फील होगा। अगर ये स्टोन उस ब्लॉकेज से कुछ देर के बाद हट जाए तो ये पेन अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक वहीं फंसा रहे तो इसके बाद गॉल ब्लैडर में सूजन होने लगती है, जिसे हम कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं, और उससे पेन लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी। और उसके अलावा बाकी सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग होना, नौजिया होना, ये सब भी साथ में देखे जा सकते। अगर ये पथरी लंबे समय तक फंसी रहती है तो गॉल ब्लैडर में ब्लॉकेज होने की वजह से उसमें बाइल का फ्लो बंद हो जाता है और उसमें एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम म्यूकोसील कहते हैं, जिसमें एक क्लियर फ्लूड, पानी जैसा फ्लूड गॉल ब्लैडर में भर जाता है और ये कंटिन्यूस पेन भी पेशेंट को कर सकता है। और कुछ देर के बाद यही फ्लूड इन्फेक्शन होने की वजह से पस में तब्दील हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट को पेन के साथ साथ फीवर भी आ सकता है। स्टिल अगर ये हम ट्रीट नहीं करते तो गॉल ब्लैडर की वॉल काली पड़ सकती है, वो फट सकती है और ये जहर पूरे पेट में भी फैल सकता है और एक सिंपल बीमारी जानलेवा बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। यूजुअली ये पेन राइट अपर एब्डोमेन में फील की जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये दूसरी जगह जैसे कि राइट शोल्डर या पेट के कुछ और हिस्सों में भी फील हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।